पेगासस जासूसी कांड पर संसद में जारी घमासान को विपक्ष ने जायज ठहराते हुए इस पर दोनों सदनों में चर्चा कराए जाने की अपनी मांग से कोई समझौता नहीं करने का एक बार फिर साफ संदेश दे दिया है। विपक्ष के तेरवों के चलते संसद में लगातार 13वें दिन गतिरोध बना रहा, तो सरकार ने आर्थिक सुधार समेत कुछ बड़े विधेयकों को पेश कर इन्हें पारित कराने की गति बढ़ा दी है। जासूसी कांड पर मचे संग्राम की अनदेखी कर अहम विधेयकों को पारित कराने जाने के सरकार के रुख पर भी विपक्ष ने कड़ा विरोध किया है। वहीं बिना किसी सबूत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को पेगासस विवाद में घसीटने पर बीजेपी भड़क गई है। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी हंगामे के चलते दिन भर कार्यवाही बार बार स्थगित होती रही, मगर इसी शोर शराबे में राज्यसभा ने अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन से संबंधित विधेयक तथा आवश्यक रक्षा सेवाओं से संबंधित विधेयक पारित कर दिए। लोकसभा में लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने और टैक्स सुधारों से जुड़े अहम बिल सरकार ने पेश किए हैं। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के टैक्स सुधार कानून में संशोधन संबंधित बिल पेश किए जाने पर ऐतराज जताते हुए कहा कि दिन की कार्यसूची में इसका उल्लेख नहीं था, अचानक अतिरिक्त कार्यसूची में से शामिल कर संसदीय लोकतंत्र की परंपरा को ध्वस्त किया जा रहा है। चौधरी ने कहा कि संसद में गतिरोध के बीच सरकार आनन-फानन में औसतन 7 मिनट में एक विधेयक पारित कर रही है। आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने भी टैक्स सुधार संशोधन बिल पेश किए जाने का विरोध किया है।